बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। एन24 न्यूज़ एचडी के साथ मैं हूँ अरीश नदीम। बुलेटिन का आगाज करते हैं। नाज़रीन, बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे खुशाब की। तो खुशाब में पंजाब फूड अथॉरिटी की टीम इन एक्शन आ गई। तुलबा को अशिया खुर्दनोश की फराहमी मियारी तरीके से यकीनी बनाने के हवाले से स्कूल्स और कॉलेजेस के कैंटीन्स और कैफेटेरियाज की चेकिंग की मुहिम जारी है। डायरेक्टर जनरल पंजाब फूड अथॉरिटी मुदस्सर रियाज मलिक की हिदायत पर डिप्टी डायरेक्टर ऑपरेशंस डॉक्टर लाला रुख की सरबराही में खुशाब में तलबा को मियारी अशिया खुर्दनोशी फराहमी यकीनी बनाने के लिए स्कूल्स और कॉलेजेस की कैंटीन्स और कैफेटेरियाज की चेकिंग की मुहिम जारी। सफाई के नाकस इंतजाम, खुले मसाला जात के इस्तेमाल और किचन एरिया में सिगरेट नोशी करने समेत दीगर वजूहत की बिना पर भारी जुर्माने भी आयद किए गए, जबकि मुतल्लिका स्कूल्स और कॉलेजेस की कैंटीन्स को वार्निंग नोटिसेस भी जारी किए गए। लाड़काना से अपडेट शामिल करेंगे। एसएसपी लाड़काना की हिदायत पर जिला भर में पुलिस की जानिब से नाकाबंदी कर दी गई। डॉक्टर मोहम्मद इमरान खान की हिदायत पर जिला भर में पुलिस की जानिब से जनरल हॉल्ट अप यानी नाकाबंदी कर दी गई। जिला के दाखिले और खारजी रास्तों पर सख्त स्नैप चेकिंग। डीएसपी और एसएचओ की सरबराही में पुलिस की भारी नफरी की मुख्तलिफ इलाकों में स्नैप चेकिंग के दौरान सर्च ऑपरेशन और सर्च कॉम्बिंग ऑपरेशन। होटल्स, मुसाफिर खानों, रेलवे स्टेशन और बस अड्डों पर तलाशी का सिलसिला भी जारी। बगैर दस्तावेजात अफराद और गाड़ियों के कवायद चेकिंग भी किए जा रहे हैं। फैंसी नंबर प्लेट्स, काले शीशों, ममनुआ ब्लू बत्तियों और बगैर नंबर प्लेट्स गाड़ियों के खिलाफ भी कार्रवाइयां की गई हैं। इस मौके पर पुलिस की जानिब से शहरियों को पैगाम दिया गया है कि ममनुआ ब्लू बत्तियां, फैंसी नंबर प्लेट्स और काले शीशे फौरी तौर पर हटाए जाएं और बगैर शनाख्ती दस्तावेजात मोटरसाइकिल्स और गाड़ियां चलाने से भी ग्रेज करें। करेंगे कोहाट का, तो कचई को गैस फ्राहम करने के हवाले से 7 देहातों का सर्वे मुकम्मल कर लिया गया। महकमे सुई नॉर्थन गैस के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर नासिर बंगिश की खसूसी हिदायत पर कचई को गैस फ्राहमी सर्वे सीनियर एसोसिएट इंजीनियर इफ्तिखार अहमद की निगरानी में सुई नॉर्थन गैस टीम ने कचई के 7 देहातों का सर्वे मुकम्मल कर लिया। इस मौका पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सूबाई कौंसिल मेंबर हाजी सैयद बादशाह शेराजी, सेनेटर शमीम अफरीदी के पर्सनल सेक्रेटरी वसीम अफरीदी और तमाम देहातों के मशरान भी मौजूद थे। बुलेटिन के आखिर में अब रुख करेंगे सोबतपुर का। तो सोबतपुर की आवाम इस दौरे जदीद में भी पुराने लोगों की तरह जिंदगी गुजारने पर मजबूर। लकड़ियों पर खाना पकाने पर आवाम मजबूर हो चुकी है। गैस की फराहमी पास होने के बावजूद भी आवाम की पहुंच से दूर। मजीद तफसीलात से आगाह करेंगे हमारे नुमाइंदा सुमर खान। हाँ जी सुमर जी, बिल्कुल। वादी बोलान का शहर सोदपुर, जो कि कदीमी शहर है, सोदपुर कदीमी शहर की मुनासबत से मीरों, मोतबरों, नवाबों और सरदारों का गढ़ माना जाता है। सोदपुर की आबादी तकरीबन 2 लाख से ज्यादा है, लेकिन यहाँ के लोग आज भी पुराने जमाने की जिंदगी बसर कर रहे हैं। मादनिया से भरपूर सूबा बलूचिस्तान की आवाम तंगदस्ती, मुफलसी और गरीबी की जिंदगी गुजारने पर मजबूर है। कदीमी शहर के बहुत ही करीब सुई गैस कंपनी भी है, जो पूरे पाकिस्तान को गैस फराहम करती है। बदकिस्मती से सोदपुर की आवाम को गैस जैसी सहूलियात से भी महरूम रखा गया है। सोदपुर की आवाम आज भी इस जदीद दौर में जानवरों का गोबर और लकड़ियाँ जलाने पर मजबूर है। सोदपुर के आस पास गाँव के लोग गुर्बत की लकीर में धंसे जंगल से लकड़ियाँ चुन चुन कर बाजार में बेच कर अपना और अपने बच्चों का पेट पालते। सोदपुर की आवाम गुर्बत की चक्की में आटे की तरह पिसती ही जा रही है। 3 मरतबा सैलाब की जद में आकर जिला सोबतपुर गुर्बत, जहालत और तारीकियों के अंधेरे में डूब चुका है, जिससे सोदपुर की आवाम इन अंधेरों से निकलना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन भी है। सोदपुर की आवाम का मुंतखब नुमाइंदों, मीरों, मोतबरों, नवाबों और सरदारों से बस एक ही मुतालबा है, सोदपुर की आवाम को साफ पानी, तालीम और सुई गैस कंपनी से गैस की फराहमी को यकीनी बनाया जाए, जिससे सोदपुर की आवाम में मुश्किलात में कमी आ सके। जी शुक्रिया अपडेट करने का। न्यूज बुलेटिन से फिलहाल इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए NAN24 न्यूज HD, क्योंकि हम पहुंचाते हैं हर खबर अमन के साथ।